आप लोग कैसे हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोग को मैं अपने चैनल फायर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पुनः आपकी एनसीईआरटी क्लास टेंथ का मैं प्रश्नावली लेकर आया हूं, जो कि 3.3 से है। और यह 3.3 प्रश्नावली है जो कि प्रतिस्थापन विधि से है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करके उसको सॉल्व करके x और y का मान, a या b का मान, इसको निकालना पड़ता है। प्रतिस्थापन विधि से मतलब होता है कि किसी एक चर को हम उसके स्थान को चेंज कर देते हैं, चेंज करके और दूसरे समीकरण में उसका वैल्यू रख देते हैं। इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आप x को प्रतिस्थापित करिए, यानी x को उधर लेके जा के करिए या y को ले जाकर लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर जाकर आप कर सकते हैं। आप x को लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर जाइए तो y का वैल्यू निकलेगा, y को लेकर जाएंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। और वो x और y को वैल्यू आप समीकरण एक या दो में किसी में भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम आज आप लोग को एनसीईआरटी क्लास टेंथ प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि से हल करना प्रश्नावली को मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस पर गौर से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ और वह है प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.3, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। आइए पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इजकल टू 14, एक्स माइनस वाई इजकल टू 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। इसको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण दो मान लेते हैं। आप किसी एक या दो को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो हम एक से ही चालू लिखेंगे समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर। एक को प्रतिस्थापित करते हैं, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x इजकल टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। y को उधर लेके चले गए, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। x को उधर लेकर जाइएगा, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसको प्रतिस्थापित करते हैं, न कि किसी x या y को। आप किसी भी चर, x चर या y चर को आप इजकल टू के राइट साइड लेकर जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जो आपको सॉल्व करने में आपको सुविधा देगा, उसी ही हम जो है इसको राइट और लेफ्ट साइड लेकर जा सकते हैं। तो हमने अपने सुविधा अनुसार y को लेकर चला गया, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देना है, एक को प्रतिस्थापित कर दिए तो 3 बन गया। तो 1 बराबर 3, 1 लिखे या 3 लिखे, बात बराबर। तो इसका मान हम 2 में रखेंगे, ना कि 1 में रखेंगे। अगर 2 को प्रतिस्थापित किए रहते तो किस समीकरण में रखते? समीकरण 1 में रखते। अगर यहाँ पर समीकरण एक को प्रतिस्थापित किए हैं तो किस में रखेंगे? समीकरण दो में रखेंगे, ठीक है। समीकरण दो में रखने पर दो में रख देते हैं। देखिए x इक्वल टू इतना, x यहाँ पर है, x माइनस वाई बराबर 14, x बराबर 14 माइनस वाई बराबर 4, y इक्वल टू 4 माइनस 14, उधर चला गया, कितना हो गया माइनस 10, वाई बराबर 10, वाई का मान समीकरण किस में रख देते हैं? वाई का मान 3 में रख देते हैं हम लोग, है ना। 3 में रखो या 1 में रखिए, बात बराबर है ना। तो x बराबर
14 माइनस वाई के जगह पे 10, यानी क्या हो जाएगा 4। ये मेरा आंसर और एक हो जाएगा यहाँ पर मेरा आंसर। इस तरह से हमारा पहला का पहला क्वेश्चन बन जाता है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, बहुत आराम से। s माइनस टी इजकल टू 3 एस बटा 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6। आप पहले पहला क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला समीकरण ये हो जाता है। दूसरा को चाहो तो आप बाबू लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 हो गया, 3 दूनी 6 2 2s हो गया, 2 3 6 3t हो गया, बराबर 6। 2s 3t बराबर 6 का 36। अब देखिए हमको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब बताइए समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करें या 2 को, तो 2 को प्रतिस्थापित करेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, 3t उधर चला गया और 2 सबके बट्टा में आ जाएगा, तो हम इसी को करेंगे, लिखेंगे 1 को समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर 1 को s माइनस टी बराबर 3, है ना, 1 को प्रतिस्थापित करने पर तो s इजकल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, 2 में रख देते हैं। देखिए 2s है, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस 3 दू 5t बराबर 36, 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 30, 5t। अब आइए यहाँ देखिए, अब t इजकल टू 5 का 30, यानी t का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, t का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। इस तरह से हम t का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है, 3 में रखने पर 3 में रखते हैं, s बराबर 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है 6 बराबर 9। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, पहला का क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई इजकल टू 3, 9 माइनस 3y इजकल टू 9। इसको देखिए कैसे हल कर सकते, किसी एक को प्रतिस्थापित तो करना ही पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से जब हल करना है तो आप देखिए अपनी सुविधा के अनुसार इसको उधर लेके जाते हैं तो y इजकल टू आ जाएगा, है ना, इसको इधर लेके जाएंगे y को तो 3 सबके बट्टे में आ जाएगा, तो इसलिए हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर 1 को करते हैं, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना, माइनस वाई बराबर 3 उधर जाएगा माइनस 3x, वाई बराबर माइनस कॉमन ले लिए 3x, ये माइनस हो गया 3, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, कट गया, यानी वाई बराबर 3x माइनस 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 3 का मान, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं 2 में, 2 में रखने पर आइए 9x माइनस 3, y बराबर क्या है 3x माइनस 3 बराबर 9, है ना,
नौ एक तीन तीन नौ एक्स माइनस माइनस प्लस नौ बराबर नौ। ठीक है, आइए नौ से नौ कट गया, ये कितना हुआ, नौ एक्स बराबर नौ एक्स आया, ये तो पूरा कट के क्या हो जाएगा, वन बराबर वन। तो इसका मान हमसे निकलेगा ही नहीं, ये क्या है देखिए, इसको अगर हम लोग उस विधि से करते हैं, एक हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है ना, इस विधि से अगर इसको तुलना करते हैं, देखिए तीन बटा नौ, एक बटा तीन, एक बटा तीन और एक बटा तीन, सभी तो बराबर आ गया, इसका कोई हल होगा, यहाँ पर इसका कोई हल ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल नहीं बनेगा। अब हम लोग जो है चौथा सवाल पे चलते हैं, है ना, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं और चौथा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आइए देखिए इस तरह का कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसको देखिए ये पॉइंट में दे दिया, चाहे तो इसको हम लोग बट्टा में इसको तोड़ सकते हैं, यानी 2x बटा 10, 3 बटा 10, 13 बटा 10, 10 एलसीएम ले लीजिए, 2x प्लस यहाँ y रहेगा, 3y बराबर 13 बटा 10 कट गया, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर एक हो गया। इसी तरह दूसरा बना लेते हैं, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये कितना हो गया, 4x बटा 10, 5y बटा 10, इतना बटा 10, 10 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा 10 कट गया, है ना, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर दो हो गया। अब आप इसमें से किसी को प्रतिस्थापित करिए और प्रतिस्थापित करके इसका हल निकालना है, तो चलिए हम इक्वेशन नंबर वन को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है, समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर, एक को, ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2, इक्वेशन नंबर 3। देखिए इसको उधर लेके चले गए y वाले को और ये बटा में हो गया, इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ जाता है, और x का वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण में रख देते हैं, तो x का वैल्यू हमारा आप देखिए इसको, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू कहाँ रख देते हैं, तीन है तो किसको पर एक को किए, तो किस में रख देंगे, दो में लिखेंगे x का मान, समीकरण दो में रखने पर, दो क्या है 4x, 4x प्लस 5y बराबर 23, यहाँ x का वैल्यू निकला है, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए कि किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा लंबा सवाल है, टाइम टेकन है, 2 जा 4, 13 दुनी 26 माइनस 3 दुनी 6y प्लस 5y बराबर 23, है ना, कितना आसानी से, देखिए 6y में से 5y घटा कितना हुआ, एक माइनस वाई, है ना, बराबर 23, ये उधर चला जाएगा 26, तो माइनस वाई बराबर माइनस 3 हो गया, कट गया, y बराबर 3 हो गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण किस में रख देंगे, देखिए यहाँ रख देते हैं, समीकरण तीन में रख देते हैं, x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y के जगह पर 3 बटा में 2, तो 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा में 2, तो 9 4 13 4 हुआ बटा 2, दो दुनी के 4, यानी x बराबर 2 मेरा आंसर हो गया।
और यहाँ भरी एक आंसर हो गया। इस तरह से हमारा प्रतिस्थापन विधि से पहला का चौथा क्वेश्चन बन जाता है और आप इसको देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चार नंबर क्वेश्चन बन गया। अब पाँचवें पे चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है, हम लोग इसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इजकल टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इजकल टू जीरो। इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी को सिंपल सी चीज़ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, या आप एक्स वाले को या वाई वाले को प्रतिस्थापित कर दीजिए, ये रूट के अंदर है। थोड़ा सा बच्चों को लगता होगा कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है, क्रिया वही है, काम वही करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसको टफ नहीं बोलेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप एक या दो को किसी को कर लीजिए प्रतिस्थापित, है ना, एक को करते हैं हम, समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, एक को प्रतिस्थापित करने पर रूट टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो, रूट टू एक्स बराबर माइनस रूट थ्री वाई, है ना। एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट थ्री वाई बटा में ये हो जाएगा रूट टू, ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। ये देखिए किस तरह से बना, है ना। अब 3 का मान किस में रख देंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 3, है ना, एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए गुणा माइनस रूट तीन वाई बटा में रूट दो, रूट दो माइनस रूट एट वाई इजकल टू जीरो। देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चों हम लोग, इसको देखिए रूट थ्री, रूट थ्री माइनस क्या हो जाएगा 3y बटा में रूट दो, है ना, माइनस 8y बराबर जीरो। हम लोग चाहे तो इसका एलसीएम ले लो, ये माइनस 3 ये हो गया, देखो 8 दुनी 16 रूट में 16y बराबर जीरो, क्रॉस गुणा करेंगे 0, 3y बराबर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4y, 4y बराबर जीरो हो जाएगा, ये देखिए, है ना, 4y बराबर जीरो, तो 4 × 3 = 7y बराबर जीरो, y का वैल्यू इधर जाएगा तो 0, एक आंसर ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं y का मान, y का मान समीकरण किस में रख दो, 3 कहाँ है, यहाँ पे है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 यहाँ पर देखिए, x इजकल टू माइनस रूट तीन गुणे वाई बराबर जीरो बटा रूट दो, टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ये x हमारा वैल्यू आ जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है, पहला का पहला, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। हाँ देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3.3 चल रहा है और ये क्वेश्चन नंबर पहला का छठा चल रहा है, आप इसको अच्छे से इसको बनाइए और मैं इसको देखता हूँ। आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, है ना बच्चों। आप लोग ढंग से पढ़िए, पढ़ने में ही सब कुछ है, आप आगे जाएंगे। आजकल बच्चे पता नहीं क्या क्या सब प्यार मोहब्बत और तरह तरीके से सब पढ़ाते हैं बच्चों का, ये सब कहाँ से दिमाग में सब बातें सब आ जाती हैं, समझ में नहीं आता है। अरे प्रेम करना है तो किताबों से करो ना, बेवफा भी निकलेगी ना, आपको कामयाब बना के ही छोड़ेगी। तो किताब आपको आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, यही एक चीज़ है, सब दुनिया छोड़ देगा
लेकिन आपकी जो शिक्षा है, आपकी पढ़ाई है, कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगी। दुनिया बेवफा हो जाए, लेकिन ये अगर बेवफा होगी ना, तब पर भी आपको जो है एक कामयाब इंसान बना के छोड़ेगी। तो इसलिए आप लोग ढंग से पढ़िए। अभी परीक्षा का सीज़न भी चल रहा है, 10th क्लास का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे पेपर नंबर से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है बाबू, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। इतना क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि देख के दिल खुश हो जाता है। एक हम लोग के समय का एग्ज़ाम था बिना ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम, 9th और 10th दोनों पेपर पढ़ के और हम लोग परीक्षा देते थे। 9th का भी क्वेश्चन पूछेगा 50% और 10th का भी 50% पूछेगा। आजकल क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव 50 के बदले 100, 15 के बदले 30, फिर 4 के बदले 8। ये आपका मैथ का सिलेबस का ये है। त्रिकोणमिति से 10 नंबर क्वेश्चन पूछता था तो अब 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब एक सब्जेक्ट एक अगर आपको चीज़ याद रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्ती करिए किताबों से, औरों से न करिए। मोहब्बत करिए किताबों से करिए, औरों से मत करिए, बेवफा भी निकलेगी ना, तो बहुत अच्छा इंसान आपको बना के देगी, कामयाब एक इंसान बना के देगी। आप जीवन भर इसको नहीं भूलिएगा। और जो इस चीज़ को नहीं गौर किया है वो जीवन भर पछताया है, जीवन भर। और यही है आपका 9th और 10th आपका बेस है। इस चीज़ को आप नहीं मजबूत करिएगा तो फिर तो इंटर में आप इंटर करिएगा। उसके बाद इंटर करने के बाद कहिएगा तो लिंटर लग गया, इंटर के बाद लिंटर लग जाता है। लिंटर समझते हैं ना, छत का लिंटर इसको बोलते हैं, ये लिंटर लग जाता है। तो इंटर में इंटर करिएगा और ख़त्म होने के बाद लिंटर लग जाता है, आपकी दिमाग बुद्धि फेल हो जाती है। मैं पढ़ूँ कि तैयारी करूँ कि क्या करूँ, तो आप 10th इंटर करिए, ढंग से करिए, पढ़िएगा, लिंटर लगाने की कोशिश मत करिए तो लिंटर लग जाए। 3x/2 5/5/3 -2। देखिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो गया, 2 3 6 3 3 3 9x -3 2 6 2 2 5 10y -2 9x - 10y गुणा कर दीजिए, -12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर देखिए x/3 है प्लस y/2 है बराबर 13/6 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 × 6 2x 3y बराबर 13/6 कट गया, 2x + 3y बराबर 13 हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक या दो को प्रतिस्थापित कर दीजिए, हम दो को कर दे रहे हैं। समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर 2 को तो 2x + 3y बराबर 13, ठीक है, बराबर 13। किसी को कर दीजिए x = 13 - 3y x = 13 - 3y/2 इक्वेशन नंबर 3। x का मान आप रख दीजिए 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, 9 × यहाँ पर देखिए 9 × क्या है, x का मान 13 - 3y/2 -10y बराबर -12। अब देखो 13 × 9 = 117 -3 × 9 = 27y/2 10y बराबर -12। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, -10 × 20 20y/2। अब आइए अब क्रॉस गुणा कर देते हैं, 12 × 9 - 24। आइए देखिए ये कितना हो गया, 20 × 20 = 47 है ना, 47 बराबर -24 उधर गया -117 -47y बराबर कितना हुआ, 7 × 4 = 11 141, ठीक है कट गया। y बराबर 141/47 कितना बार में कट जाएगा,
तीन बार में, y बराबर 3 आंसर हो गया, है ना। अब y का मान समीकरण किस में रख देते हैं आप, y का मान समीकरण किस में रख दिए, तीन में रख दीजिए, तीन में रखने पर, तीन में रख देते हैं, x बराबर 13 माइनस 3y। देखिए यहाँ पाइए, देखिए 13 माइनस 3 गुणे y के जगह पे 3 बटा में 2, 3 माइनस 3 तिहाई 9 बटा में 2, 9 4 13, 4 बटा 2 यानी कितना हो गया 2, यानी x बराबर कितना हो गया 2। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 3.3 का पहले का पूरा 6 क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।